नमस्कार। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लग गए हैं। इसी के चलते राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन जैसे फैसले करने लग गई हैं। राजस्थान सरकार ने भी 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। यह 8 शहर अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगावाड़ और कुशलगढ़ हैं। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगावाड़ एवं कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा फैसला किया गया है कि 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलें आगामी आदेश तक बंद रखने का आदेश भी दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा एवं आजीविका को सुचारू रखने के लिए जनहित में आवश्यक कदम उठाए जाने का निर्णय किया गया है। राज्य के सभी नगर निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगावाड़ा और कुशलगढ़ में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इससे पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसकी अनिवार्यता कर दी गई है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टैंड पर यात्रियों की जांच भी